हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर में एकाएक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है तबलीगी जमात के लोगों को, और ये बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है क्योंकि नए मामले आए हैं मदरसों से। इसीलिए लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है, चाहे वो मदरसे हो चाहे वो मंदिर हो। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने कानपुर में जाकर पड़ताल की, मौजूदा हालात क्या है वहां पर ग्राउंड जीरो में, उनकी रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता से। कानपुर के तीन इलाके कुली बाजार, नौबस्ता और चकेरी, इन तीन इलाकों में मदरसे में पढ़ने वाले करीब 47 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। हॉटस्पॉट बन रहे कानपुर की पड़ताल, संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज, मार्च 2020। कानपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमातियों को। इसी कनेक्शन की पड़ताल और आने वाले खतरे को समझने के लिए हमारे संवाददाता पहुँचे कानपुर। कानपुर में तीन सप्ताह पहले कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। 54 वर्षीय एक बुजुर्ग विदेश से वापस आए थे। अब हालत ये है कि वो बुजुर्ग अपना इलाज करा करके और दुरुस्त होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन तबलीगी जमात ने जिस तरीके से यहाँ कोरोना का संक्रमण घूम घूम कर बांटा है, उससे ये शहर उबर नहीं पा रहा है। आगे आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि कानपुर को कोरोना ग्रस्त बनाने के लिए तबलीगी जिम्मेदार क्यों है। दिल्ली के मरकज में कई जमाती कोरोना संक्रमित थे। संक्रमित जमाती कानपुर के अलग अलग मदरसों में तालीम देने पहुंचे। संक्रमित जमातियों के संपर्क में आए बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए। इस वक्त हम खड़े हैं जाजमऊ क्रॉसिंग पर, और आपको बताना चाहेंगे कि जाजमऊ इलाके में भी कई हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, और ये टेंडियों का इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं, और जो कोरोना संक्रमण फैलने की सबसे अहम वजह जाजमऊ इलाके में है वो है तबलीगी जमात। अब कानपुर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आलम यह है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। कानपुर में कोरोना के करीब 25 हॉटस्पॉट है। कानपुर का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाका है कुली बाजार। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी यहां के ताजा हालात को समझने के लिए पहुंचे। हम इस वक्त कुली बाजार इलाके में हैं, जहां से कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 50 हो चुकी है। लगातार इस इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम कैमरे लगाए गए हैं, तमाम इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है, और ये जो बच्चे हैं वो यहाँ के एक मदरसे के हैं। कुली बाजार ही वो इलाका है जहाँ के मदरसे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चे मिले हैं। कानपुर पूर्वी के SP के मुताबिक कुली बाजार वाले मदरसे में 32 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। नौबस्ता इलाके के मदरसे में 9 और चकेरी थाना इलाके वाले मदरसे में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। इस तरीके से तीन मदरसों में कानपुर नगर के करीब 47 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई है। अब हमारे संवाददाता पहुंचे नौबस्ता, उस मदरसे के पास जिसमें पढ़ने वाले बच्चे संक्रमित निकले हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं नौबस्ता का मछरिया इलाके का ये मदरसा है। यहाँ 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और यहाँ पुलिस का पहरा लगातार बिठाया गया है। सभी संक्रमित बच्चों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है, इलाज हो रहा है। इनको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराया गया है, और बाकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके बाकी और लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। कानपुर एक बड़ा शहर है, और यहाँ जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो एकाएक बढ़ी है तबलीगी जमात के बाद से, और मान के चलिए कि लगभग 70-75% के जो यहाँ केस हैं वो तबलीगी जमात से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज, कानपुर। देखिए बहुत जोखिम होता है इस तरह की खबर के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना, लेकिन संजय ग्राउंड जीरो पर उतरे और कानपुर में क्या हालात, संजय से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। संजय, पहला सवाल तो ये कि बच्चों की उम्र क्या थी, हालत कैसी है जो 47 बच्चे इन मस्जिदों में पाए गए। दूसरा ये, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात पुलिस कर रही है, इतना वक्त क्यों लगा रही है, क्यों तीन ही मस्जिदों की बात हो रही है, क्या पूरे कानपुर को छान रही है पुलिस? पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि 10 से 20 साल की उनकी उम्र है, और ये कानपुर के तीन मदरसों के हैं। कुली बाजार का मदरसा है, जाजमऊ का मदरसा है,
और नवस्ता इलाके के मछरिया का मदरसा है। ये गरीब बच्चे हैं और ज़्यादातर इनमें से जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात जो आपने पूछी, तो जब तबलीगी जमात के लोग यहाँ पर आए थे तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जब शुरू की गई तो मालूम चला कि वो लोग दीनी तालीम देने के लिए इन मदरसों में गए थे, और जब पड़ताल की गई, छानबीन की गई और जाँच की गई तो ये लगभग 47 बच्चे सामने निकल के आए। हालांकि सूत्र जो दावा करते हैं वो संख्या अभी और बढ़ भी सकती है, और लगातार इनकी आगे की ट्रेसिंग की जा रही कि इन बच्चों के संपर्क में कौन था और जमात के संपर्क में कौन था। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे ही दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के जो जमाती थे उनके बारे में पूरे देश में अलर्ट किया गया था, यूपी में इस संबंध में पूरी डिटेल लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें बाकायदे सभी जमाती जो निजामुद्दीन मरकज में शरीक हुए थे उनके फोन नंबर थे, उनके एड्रेसेस थे, और उसकी ट्रेसिंग की जानी थी। लेकिन कानपुर में चूंकि पहला केस 3 हफ्ते पहले निकल के आया था, और आप समझ लें कि लगभग 20-22 दिन में कानपुर में 197 मामले अब तक पेश आ चुके हैं, जिनमें 70% के करीब माना जाता है जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पकड़ने में वहां का स्थानीय प्रशासन जो है वो नाकाम रहा है।